वो तो मिठाई खा रही भाई आज है ना क्यों खा रही कम वो मिठाई आज? तो हमने ना ये वाली मिठाई करवा ली है 1 किलो और मुझे ना अपनी खुशियां बांटने में आपके साथ बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा भंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मास्टर कार्तिकेय ब्लॉग में। तो वही अभी बजा है दिन का 11:30, तो मुझे ना अभी घर से बाहर किसी काम के लिए जाना है, कम्मू को लेकर के जाना है। तो चलते हैं अभी और अभी मिलाते हैं कम्मू लोगों से भी, और हमें ना देर भी हो रही है तो चलते हैं पहले। तो हम लोग गए हैं अभी पेट्रोल डलाने के लिए, तो गाड़ी में पेट्रोल डला रहे हैं अभी। तो इधर तहसील वगैरह बनने वाला है अभी और इधर बन रहा है रोडवेज में, तो बहुत सारा काम भी हो गया है। बहुत जल्दी ना रोडवेज बन करके रेडी हो जाएगा। तो हम लोग ना कम्मू के घर के पास पहुंच ही गए हैं और कम्मू भी अभी आने वाली होगी, तो उसको लेकर के जाएंगे हल्द्वानी की ओर और हमारा कुछ काम है तो वो लोग भी आ रहे हैं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। कम्मू को दिखाते हैं, कम्मू भी ना आ गई है और ये देख सकते हैं कम्मू को। तो अभी हम लोग ना आज कम्मू और मैं घूमने जा रहे हैं ना कम्मू आज कम्मू और मैं हमारा ना प्लान कर रखा कहीं घूमने जाने का हम मार्केट घूमने जा रहे हैं तो देखते हैं कहाँ जाते हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो आज ना पंतनगर में जो है राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आज जो है ना पंतनगर आ रहे हैं, तो फिर इसलिए जो है ना रोडें भी आज सब जगह गाड़ियाँ भी कम कर दी हैं, देख सकते हैं आप, तो इसलिए जो है ना भीड़ भी कम हो रही है। तो हमें ना कार्तिकेय पापा ने यहाँ छोड़ दिया है, तो हम लोग भी ना अपना काम कराने के लिए RTO ऑफिस जाएंगे और हम लोग जो है ना डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। हम पहुँच गए हैं जैसी तिवारी में और यहाँ ना इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो रही है और आंटी जी भी हमारे साथ आ रहे हैं, तो देख सकते हैं पेशेंट की भीड़ ना बहुत ही ज़्यादा हो रखी है यहाँ पर, वो और वहाँ ना हमारे नाम भी चल रहे हैं, पेशेंट की लिस्ट भी चल रही है वहाँ पर। तो हम ना आ गए हैं मेडिकल स्टोर में, दवाइयाँ ले रहे हैं यहाँ से और कम्मू की दवाइयाँ ले रहे हैं, और यहाँ से दवाइयाँ लेंगे उसके बाद जाएंगे ना घर को, क्योंकि ना लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया और कार्तिकेय बाबा भी ना हमारे रुके हुए हैं सुशीला तिवारी पे, तो हमें चलना है यहाँ से फटाफट, तो पहले दवाइयाँ ले लेते हैं। तो मिठाई खा रही भाई आज है ना क्यों खा रही कम्मू मिठाई आज? प्रमोशन मजा आया कम्मू के, तो दो खुशियाँ मिली आज तो मैंने कहा था कुछ आप पार्टी कराएंगे करके तेरे को मिठाई खा रहे हैं, खाली तेरे को मिठाई में डाल दिया देख कार्तिक का बर्थडे आ रहा है इकट्ठी कर देंगे सारी पार्टी। कम लोगों को ना यहाँ पर को छोड़ दिया हमने और ये यहाँ से ना घर को जाएंगे जी तेरा, ठीक है बाय बाय बाय। कम लोग ना जाने लग गए हैं घर को और हम लोग जाएंगे यहाँ से अपने घर के ओर। तो आज ना बहुत बड़ी खुशी का दिन भी है और जो है आज कार्तिकेय पापा का ना प्रमोशन भी हो गया है, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। और भाई अब ना आप घर के लिए मिठाई लेकर के जाएंगे और ये ड्यूटी के लिए भी लेकर के जाएंगे मिठाई, तो लेते हैं मिठाई वगैरह और फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। हम पहुंच गए हैं बीकानेर बेकर्स में और देखते हैं यहाँ पर को भीड़ तो बहुत है, जाम भी लगा हुआ है, तो देखते हैं स्वीट्स ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। दिवाली की वजह से ना बाहर भी मिठाई वगैरह लगा रखी है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, तो चलते हैं अंदर और मिठाई वगैरह खरीदते हैं घर के लिए भी और ऑफिस के लिए भी। तो गिफ्ट पैक के लिए भी ना जो गिफ्ट वगैरह देना चाहता है किसी को, तो वो भी बहुत सारे रख रखे हैं ऐसे, तो ये डब्बे भी दे सकते हैं। पेस्ट्री वगैरह भी रखी है भैया लोगों ने आजकल, पहले तो काउंटर पे पेस्ट्री दिखाई देती थी। हमने ना ये वाली मिठाई करवा ली है 1 किलो और शायद ये वाली कराई है 1 किलो, तो ऐसे ना बहुत सारी मिठाइयाँ करवा ली हैं। कार्तिकेय पापा ने ना 4 डब्बे मिठाई ले लिया है, 1 मेरे पास है और 3 इनके पास हैं,
लो ये मिठाई ये है ये सबको बांटो मिठाई। चलो आ जाओ अंदर। कार्तिकी बाबा भी ना नई जॉइनिंग के लिए रुद्रपुर जाने लग गए हैं और मम्मी जी ना सबको मिठाई दे रही है। कार्तिक को भी मिठाई चाहिए। आम से ले ले मिठाई। हाँ मिठाई। हर्षित को मिठाई दे देते। तो बहुत सारे ना फोन वगैरह आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं सभी लोग क्योंकि प्रमोशन हुआ है। और कार्तिक के पापा भी ज्वाइनिंग के लिए चले गए हैं, उन्हें ना आज ज्वाइनिंग करनी है, मतलब साइन वगैरह करने हैं, और तो कल से उनकी साइड ड्यूटी होगी। तो हर्षित भी चले गए हैं अकेडमी, उसको भी अकेडमी छोड़ते हुए वो चले जाएंगे ड्यूटी की ओर। और अब जो है ना मम्मी लोग को भी सबको बताएंगे कि प्रमोशन वगैरह हो गया है, तो जो भी अपने रिश्तेदार हैं ना उनको भी बता देते हैं। और मिलते हैं थोड़ी देर में, मिठाई वगैरह तो हमने खा ली है, और मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरे पापा प्रमोशन हो चुका है, मेरे को बहुत सारे कहूँगा अभी ये, उसके बाद हम पटाखे फोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी ना मैं और कार्तिकी के पापा ना हनुमान मंदिर जा रहे हैं, मतलब बजरंग बली जी के मंदिर जा रहे हैं, और प्रसाद वगैरह चढ़ा करके आएंगे क्योंकि ना कुछ भी खुशी होती है वो सबसे पहले भगवान जी के लिए होती है। सबसे पहले ना प्रसाद भगवान जी को चढ़ा के आते हैं, और वैसे भी जब हम घर में मिठाई लेकर के आए थे तो सबसे पहले मम्मी जी ने ना प्रसाद भगवान जी को ही चढ़ाया था। और अब हम ना बाहर जा रहे हैं और बजरंग बली जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके आते हैं। और बच्चों को भी ना अभी इष्टी के बर्थडे में जाना है, तो वो भी बर्थडे में जाएंगे, और उसके भी मैंने कपड़े निकाल करके ना यहाँ पर रख दिए हैं। कार्तिकी बाबा ना चले गए हैं मिठाई लेने के लिए, और तो मैं जो है ना तो मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ, और अभी ना हम लोग हनुमान मंदिर की ओर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो पहले मिठाई ले लेते हैं और प्रसाद भी ले लेते हैं। मुझे ना अपनी खुशियाँ बांटने में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ना आप लोग भी सब मेरे परिवार की तरह हैं, जैसे मेरे परिवार है वैसे आप लोग भी हैं, तो इसलिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और आज ना मुझे इमोशनल भी हो रही हूँ मैं, कि मैं इतनी बड़ी खुशी भी है करके। मंदिर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने भी ना प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है। तो आप चलते हैं घर को और अब मिलते हैं थोड़ी देर में। ना अभी लाजवाब पंजाबी रसोई में आ चुके हैं, तो हम लोग ना यहाँ से थोड़ी सी सब्जी वगैरह ले रहे हैं आज, क्योंकि भाई प्रमोशन हुआ है तो थोड़ा सा पार्टी तो हमारी भी बनती है। तो हम लोग ना अभी देवरिया को जा रहे हैं, सब्जी वगैरह ले ली है हमने, और वहाँ भी ना हम लोग मिठाई दे करके आएंगे, है ना, मिठाई दे आएंगे वहाँ। तो हम ना देवरिया पहुंच गए हैं मम्मी लोगों के यहाँ, यहाँ पे मिठाई देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। बेटू बेटू बाबू धन्यवाद धन्यवाद भाई धन्यवाद धन्यवाद। ना ना रुद्रपुर नहीं गई थी मैं, यहाँ से घर जा रहे ना, हम लोग हनुमान मंदिर गए थे। घर पहुंचाना है भाई वो, अब एक फैमिली तो हमारी ये भी है भाई ना, तो घर में पहुंचाना तो बनता था। तो एक एक मिठाई तो यहाँ भी बनती थी, है ना बिट्टू, है ना बाबू, है खूब बजरो जा जोड़ बजरो में मेरा पॉजिटिव बढ़ते रहो। कुत्तों के बच्चे हुए हैं भाई, दो दो बच्चे हुए हैं, अरे कितने सुंदर लग रहे कुत्तों की तरह लग रहे ना, सेम इसके बाल थोड़ा जैसे ये देखो सॉफ्ट बाल है, वाह कितने सुंदर लग रहे, देखो कितने प्यारे थे, कितने प्यारे प्यारे से हैं, देखो वाह सुंदर लग रहे हैं ना, है ना दिखा, वाओ कितने सुंदर हैं भाई, वाओ। वरान साहब किसको देखने जा रहे हैं, किसको देखने जा रहे हैं भाई, सब मिल गई है यही पर देवरिया वाले मंदिर में।
प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है और हम लोग देवरिया से भी आ गए हैं, तो अब चलते हैं घर की ओर। हम लोग ना घर पहुंच गए हैं और मम्मी ने ना हमको हरी सब्जी भी दे रखी है। तो ये देख सकते हैं लाई के पत्तों की ना, जो कि घनी घनी हो रही होगी, तो पूरी ना जड़ के सही उपाड़ करके दे रखी है। तो कल को ना इसको साफ़ करना है हमको। और हमें तो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी ना मिल जाती है, क्योंकि मायके वाले थोड़ा सा फार्म वाले होते हैं, तो ना थोड़ा सा मिल ही जाती है। तो अब खाना वाना खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में भी। तो आज ना हमारी मशरूम पार्टी चल रही है, क्योंकि भाई आज खुशी का दिन है, तो भाई थोड़ा सा प्रमोशन की खुशी में हम लोगों को भी पार्टी मिल गई है आज। तो खाते हैं खाना पीना और आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।